हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंडेस 116 के लेक्चर में। इंडेस 116 लीजेस व्हिच इज द टॉक ऑफ द सीए फाइनल स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम द इंस्टीट्यूट हैज मेड दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर द कोर्स ऑफ सीए फाइनल बोथ न्यू एज वेल एज द ओल्ड कोर्स। सबसे पहले हम इंडेस 116 के हमारे इन लेक्चर्स के बारे में बातचीत करें। उससे पहले मैं इसका क्विकली आपको रेलिवेंस समझा दूँ। Ind AS 116 on leases replaces your existing standard on lease which is Ind AS 17. तो डिश क्या हूँ, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। इंस्टीट्यूट ने इसको मई 2020 एग्जाम से आपके कोर्स में एप्लीकेबल कर दिया है। फॉर न्यू कोर्स स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स। न्यू कोर्स स्टूडेंट को इसे फुल डेप्थ में पढ़ना होगा। हाउएवर द ओल्ड कोर्स स्टूडेंट शुड डेफिनेटली गेट अ ओवरव्यू की जगह आई एम राइटिंग अ गुड ओवरव्यू बिकॉज अब आप देखते हैं ओल्ड कोर्स में इनफैक्ट नवंबर 19 में देयर वाज वन कंप्लीट 16 मार्क क्वेश्चंस ऑन इंडेस इन विच यू ऑल्सो हैड अ क्वेश्चन ऑन इंडेस 115 द कंपेरेटिवली इससे पहले का सबसे रिसेंट हमारा स्टैंडर्ड रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। एंड उस एंगल से एक्सपेक्टेड है कि ओल्ड कोर्स में हो सकता है 116 का भी क्वेश्चन आ जाए, बट आई रियली डोंट फोरसी दैट वी विल हैव अ वेरी इंट्रीग प्रैक्टिकल नेचर ऑफ क्वेश्चन कमिंग इनटू योर पर्टिकुलर सिलेबस। तो आप लोगों के लिए शायद एक ओवरव्यू, एक रिविजन लेक्चर ज्यादा सूटेबल होगा रादर देन गोइंग इन डेप्थ थ्रू ऑल दीज पर्टिकुलर लेक्चर्स। हेंस दीज लेक्चर्स आर प्राइमरली टारगेटेड फॉर द ओल्ड कोर्स स्टूडेंट then in fact new course student and old course student if they want actually what they should ideally be doing is so they should definitely go through the first part of this particular lecture. तो इसका जो lecture का हमारा part 1 है, ये part 1 में मैं आपको पूरे index का fundamental logic, how is it different, इससे क्या चीज़ें बदल रही है और हमें इसे किस approach में पढ़ना होगा, a very very important and critical way to start because what I'm going to do is I'll give you a helicopter view of the complete standard along with the basic concepts. यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे हम वो नसें पकड़ने वाले हैं, वो चीज़ें समझने वाले हैं जिसके ऊपर पूरा standard flow करता है। तो यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू दिस, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स। न्यू कोर्स स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली आपको एवरी वर्ड, एवरी एक्सप्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर और दीज लेक्चर्स बिकॉज इट्स लेंथी स्टैंडर्ड इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट फॉर यू। न्यू कोर्स के स्टूडेंट के लिए हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो वी हैव वन आर स्टडी मटेरियल। इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में इंडेस 116 नहीं दिया है मई 2020 की, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने स्टडी मटेरियल में उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया और अब इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है कि जो स्टडी मटेरियल में आ जाता है उसको इंस्टीट्यूट आरटीपी में नहीं देता है। देयर आर 43 इलस्ट्रेशंस, 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन द स्टडी मटेरियल। ऑल दीस 50 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन द क्लास। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2020 में एजुकेशन मटेरियल ऑन इंडेस 116 इशू किया है व्हिच हैज 85 वॉट क्वेश्चंस। Some of them do are common, however a lot of them are different and I will also be covering the relevant questions of the education material here in the class. That is going to help and build our understanding further. अरे सर वो क्यों कवर कर रहे हो, एग्जाम में तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी इंस्टीट्यूट सिर्फ स्टडी मटेरियल के ही सवाल पूछेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी हमारी ज्योतिष विद्या कहती है कि इंस्टीट्यूट जब भी कोई नया स्टैंडर्ड लाता है तो स्टडी मटेरियल से ही उठा के क्वेश्चन पूछता है। तो ये जितने ज्योतिषी हैं ये एक समय ना किसी समय पर सीए एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं। हाउएवर जो आप बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। कीपिंग इन सीइंग द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूट, यस मई 2020 में शायद इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस ही काफी हैं, बट दीज लेक्चर्स आर नॉट डेफिनेटली जस्ट मेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मई 2020। दे आर एक्चुअली मेंट ए फॉर डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंड ऑब्वियसली आर रेलेवेंट फॉर द फोर्थ कमिंग अटेम्प्ट्स। So I'm not going to restrict myself just to the few questions which are there in the institute study material. I should not say few, there are many, but then when it comes to numerical questions, they are really few. I'll come to that. But yes, you have seen that initial level pe bhali institute in sawalon ko cover karta hai, but later on institute intrigue sawal puchna shuru kar deta hai, apna rang dikhana shuru kar deta hai, jaisa may 19 mein kiya indes 115 ka ek shandar question puch ke jiska kahin koi rtp mtp institute ke study material mein reference nahi tha। तो हम इस इंडेस 116 को इस तरह से कवर करेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस भी हैंडल कर सके। दैट मींस दीज लेक्चर्स प्लीज गेट योर ओरिएंटेशन करेक्ट दैट ए
The objective of these lectures is so that you can develop such an understanding of this particular standard that solving the ICI study material question becomes very easy for you. I mean, very easy means very easy. And in case if there are different questions being asked in the exam, you are still competent enough to handle those questions with a decent level of preciseness and accuracy. तो उस एंगल से हमारी कवरेज में स्टडी मटेरियल कवर होगा, इंस्टीट्यूट का एजुकेशन मटेरियल कवर होगा, प्लस मेरे खुद के कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने लेके दे देता हूँ. दैट इज समथिंग विच आई विल बी डिक्टेटिंग एंड सम विल बी कवर इन द मटेरियल. स्टूडेंट्स को क्या मिलने वाला है? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एफ आर बैच 1, 2, 3, 4 एंड द फर्स्ट बैच स्टूडेंट विल गॉट ऑल दीज लेक्चर्स. इसके साथ में उनको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसमें क्वेश्चन बैंक होगी इन सारे क्वेश्चन की. प्लस इसके साथ में वी आर प्रिपेयरिंग द थ्रोन चार्ट विच आर अंडर प्रिपरेशन. यू विल गेट इट लेटर वंस दैट इज प्रिपेयर्ड. हाउएवर यू नो वट एवर आई राइट ह्योर एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इन टू अ पीडीएफ विच इज शेयर्ड ऑन द एलएमएस. तो ये सारी की सारी चीजें एलएमएस पे अवेलेबल होगी और आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो. Now that we have the perspective of our discussion correct, let us also now get into the particular standard and let's start understanding what the standard is all about. Believe me, this is a lengthy standard. It's going to take time, but मैंने कोशिश की है कि अपन कुछ इस तरह से पढ़ें इसको कि हम भले ही स्टैंडर्ड लेंदी है पर उसे अपनी मुट्ठी में कर सकें. दैट मीन्स हम सबसे पहले एक इसका हेलीकॉप्टर या बर्ड्स आई व्यू लेंगे, ड्रोन व्यू कह लीजिए, जिससे कि हमें पूरा स्टैंडर्ड का फ्लो समझ में आएगा, एज इन क्या क्या चीज़ें स्टैंडर्ड में हम देखने वाले. द रीज़न फॉर टेकिंग दीज व्यूज विच आई ऑलवेज डू इन द क्लास इन एवरी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इज कि लंबे स्टैंडर्ड में कभी भी स्टूडेंट इज नॉट फीलिंग लॉस्ट. अपने स्टूडेंट को हमेशा पता होना चाहिए कि वह अभी क्या पढ़ रहा है, कौन सी चीज़ आगे पढ़ने वाला है, क्या फ्लो में चीज़ें आने वाली हैं, सो दैट ही रियली कैन अप्रिशिएट द होलिस्टिक पिक्चर रादर देन स्टडिंग अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लाइक टॉपिक्स. तो लेट अस स्पेंड सम टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड गेटिंग द ओवरव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड. इंड इज 116 लीजेस. दोस्तों लीज आप लोगों ने इंटरमीडिएट आईपीसीसी में पढ़ा होगा, जिसको अपन अज्यूम करेंगे कि अपन ने पढ़ा है, फिर भी हमने साफ कर दिया. क्यों? क्योंकि खाली होगी यहाँ पे जगह तो ही तो कुछ नए की जगह बन पाएगी. पुरानी को बुलाएंगे तभी तो नई की जगह बनाएंगे. तो वो हम छोड़ा है वो गलियाँ. तो वी विल नॉट बी प्रिज्यूमिंग दैट वी नो एनीथिंग ऑफ लीज, एक्सेप्ट इतना तो मैं मान सकता हूँ कि आपने फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज इस तरह की कुछ टर्मोलॉजीज समझी होंगी. उस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी तक जो हमने लीज पढ़ा है उसे हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं. लेट मी स्क्रिबल सम नोट्स. पहली बात, लीज और रेंट में क्या फर्क है? क्या ये दोनों एक ही चीज होती है? आई मीन मैंने आपको एक जमीन 99 इयर्स की रेंट लीज वट एवर पे दे दी, क्या ये लीज है? हाँ सर, ये तो लीज है. और 99 इयर्स की जगह अगर मैं यही जमीन आपको 11 महीने के लिए रेंट पे देता हूँ, लीज पे देता हूँ, क्या ये लीज है? नहीं सर, ये तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है. अगर ऐसा है तो फिर आप ये नहीं सोच रहे हो कि नॉर्मली हम लॉन्ग ड्यूरेशन लीज को फाइनेंस लीज और शॉर्ट ड्यूरेशन लीज को ऑपरेटिंग लीज कहते थे, तो क्या ये ऑपरेटिंग लीज हो सकती है? हाँ हाँ सर, ये ऐसा कर लो कि ये ऑपरेटिंग लीज होगी क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि घर में अपने 22 सीए बन गया है तो हमने पार्टी रखी है और टेंट हाउस वाले को बुलाया कि भैया आओ और यहाँ पे एक टेंट लगा दे और यहाँ दिवाली बनने वाली है, 5 दिन का आयोजन है जिसके लिए आपका टेंट यहाँ 5 दिन तक रखा हुआ होना चाहिए. सीए बनाए भाई, मजाक थोड़ी ना है, कोई शादी से कम त्यौहार नहीं है ये हमारे लिए. वी विल सेलिब्रेट है, शादी का तो भरोसा नहीं, लड़का भाग के कर ले. सो क्या ये भी एक लीज है? सर ये ज्यादा ही शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया. इनफैक्ट सर लीज और रेंट में फर्क आ गया याद. राइट टू यूज एन असेट, राइट टू यूज आता था ना सर तो लीज होती थी. अरे वाह मजा आ गया, क्या बात बोली आपने, बहुत बढ़िया. ये राइट टू यूज क्या होता है सर? वो ज्यादा नहीं, बट अपन ये मान लो कि भाई अगर हमारे पास असेट को जैसे यूज करना है उस तरह का अधिकार आ गया तो माना जाएगा कि ये लीज है. ठीक बात है दोस्त. तो सपोज चलो अपन इसको ऐसे देखते हैं कि आपने उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आप जहां भी अपने शहर में रहते हैं वहां से आप आ गए इंदौर और आपने कहा कि चलो अपन फर्स्ट पे क्लास ज्वाइन करेंगे. अब क्लास ने क्लास की तो आपको सुविधाएं दे दी यहाँ पे, लेकिन हॉस्टल का क्या करें? तो आपने कोई हॉस्टल में जाके अग्रीमेंट किया और उसको कहा कि भैया यहाँ पे अब हम 3 साल तक रहने वाले. इसका मतलब क्या हुआ? फुल 3 ईयर्स, आर्टिकलशिप भी यहीं से करेंगे, एग्जाम भी यहीं से देंगे, सब कुछ यहीं से. तो आप आ गए और आपने 3 साल का हॉस्टल के साथ एक अग्रीमेंट किया, एक रूम आपने रेंट पे लिया, क्या ये लीज है? सर लीज तोड़ना है,
प्लीज दोस्तों आप थोड़ा सा गहराई से चीजों को समझिएगा। अगर मैं 3 साल के लिए एक हॉस्टल का रूम रेंट पे लेता हूं, क्या ये एक सिंपल रेंटल अग्रीमेंट है या ये लीज है? एंड हाउ डज दिस मैटर्स? मैटर तो करेगा, क्योंकि अगर लीज होगा तो इसके ऊपर स्टैंडर्ड 116 लग जाएगा। पर सर अगर हुआ भी तो ये ऑपरेटिंग लीज होगा जो रेंट जैसा ही होता था, और हमें थोड़ा बहुत याद है कि ऑपरेटिंग लीज का बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग हुआ करता था कि हम जो ऑपरेटिंग लीज में असेट लेते थे, बदले में जो किराया देते थे उसे खर्चा मान लेते थे और लेसर अपनी बुक्स में इसे इनकम मान लेता था। रेंट में भी ऐसे ही होता है, जो रेंट देता है उसके लिए खर्चा और जिसे मिलता है उसके लिए इनकम। तो वुड इट रियली मेक अ डिफरेंस? एंड आई एम इम्प्रेस्ड एक्चुअली इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन। सो व्हेन आई से लीज, आई डेफिनेटली से कि यार लीज मतलब हमारे पास राइट टू यूज एन असेट आ रहा है। अज्यूमिंग मैं ये डिफरेंस समझ गया लीज और रेंट के बीच में, तो मेरा अगला सवाल फिर ये बनता है कि लीज हमने देखी थी दो तरह की होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी तो ऑपरेटिंग लीज, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगी तो फाइनेंस लीज। ये बहुत ही लेमैन तरीका था कहने का, इट इज नॉट द ड्यूरेशन एक्चुअली ओनली, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। बेसिकली हम ये जानते थे कि फाइनेंस लीज में क्या होता था, एट द एंड ऑफ लीज टर्म प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती थी। सर ऐसा तो हायर परचेज में भी होता था? ओ हो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो यार, सब आएगा अभी। हायर परचेज भी डिस्कस कर लेंगे, लीज भी कर लेंगे, फाइनेंस लीज भी समझ जाएंगे। बट ये फाइनेंस लीज में होता ऐसा था कि लीज टर्म खत्म होने पे या तो असेट ट्रांसफर होती थी, या असेट की जितनी यूजफुल लाइफ होती थी पूरी लाइफ, ऑलमोस्ट पूरी लाइफ के लिए हम असेट को लीज पे दे देते थे। यानी इफेक्टिवली असेट का जो सब्सटेंस में यूजर है वो लेसी हुआ करता था, लेसी इज द पर्सन हु इज टेकिंग द असेट ऑन लीज, तो वो फाइनेंस लीज होती थी, नहीं तो वो ऑपरेटिंग लीज होती थी। इनफैक्ट फाइनेंस लीज को फाइनेंस लीज क्यों कहते हैं और ऑपरेटिंग लीज को ऑपरेटिंग लीज क्यों कहते हैं? तो दोस्तों एक चीज समझना, फाइनेंस लीज इज फाइनेंस लीज बिकॉज द इंटेंशन ऑफ द लेसर इज टू अर्न फाइनेंस इनकम, दैट मींस ब्याज। फाइनेंस लीज करने वाले लेसर का इंटरेस्ट असेट में नहीं है, उसका इंटरेस्ट ब्याज में। आइलैंड एफएस सुना होगा आप लोगों ने, न्यूज में रहा फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ डिफॉल्ट्स व्हिच हैपेंड इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज टू द पब्लिक फॉर द डिपॉजिट दे हैड एक्सेप्टेड जस्ट बिकॉज दे मेड लॉन्ग लोन और लीजिंग डिसीजंस। उन लोगों ने असेट्स को लीज किया और लीज किया मतलब एक तरह से कुछ भी नहीं, फाइनेंस किया। इसका मतलब क्या? जेट एयरवेज भूतपूर्व एक्स को एक एयरक्राफ्ट लीज पे लेना था, तो वो आइलैंड एफएस के पास गया और उसने कहा कि यार हमें एक एयरक्राफ्ट खरीदना है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो बैंक क्या करती थी? बैंक बोलती थी ठीक है एक काम करो, हम आपको लोन दे देते और आप असेट खरीद लो। ये हो गया सिंपल बोरिंग अरेंजमेंट। इसमें रिस्क ये है कि जो एयरक्राफ्ट होगा वो जेट एयरवेज के नाम पे होगा, तो कल दिन अगर रीपेमेंट नहीं हुआ तो एयरक्राफ्ट को जब्त करने के लिए बैंक को बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हरकुलियन टास्क टू रिकवर द असेट। भले हमारे पास सरफासी और इस तरह के एक्ट्स हैं बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट। तो हम एक काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि एक काम करते हैं यार, असेट हम हमारे नाम पे खरीद लेते हैं और यूज करने के लिए तुझे दे देते हैं, तुझे जैसे यूज करना है कर, बशर्ते असेट की जो कॉस्ट हमारी लग रही है प्लस जो हमें उसमें इंटरेस्ट का रिटर्न चाहिए वो मिला के हम एक लीज पेमेंट डिफाइन कर देते हैं, उतना आप पे करते जाना। जैसे ही आप सारे पेमेंट कर दोगे ये असेट परमानेंटली आपके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब जो देने वाला है असेट आपको, जो अपने नाम पे लेके दे रहा है, उसका इंटरेस्ट असेट में नहीं है, उसका इंटरेस्ट सिर्फ किस में है? ब्याज में। दैट इज वाई उसे क्या कहते थे? फाइनेंस लीज। क्योंकि इसमें अल्टीमेटली असेट ट्रांसफर हो जाती थी, ऑलमोस्ट असेट की यूजफुल लाइफ के लिए ये लीज होती थी। ऑल सेड एंड डन द अल्टीमेट पॉइंट वाज दैट द यूज ऑफ द असेट वाज डन बाय द लेसी एंड नॉट द लेसर। दैट इज व्हाई दीज लीज वर टर्म्ड एज फाइनेंस लीज, बिकॉज इसको करने का लेसर का उद्देश्य सिर्फ ब्याज की इनकम कमाना होता था। लेकिन अगर लेसर का उद्देश्य सिर्फ ब्याज की इनकम कमाना नहीं है, उसका ये बिजनेस ही है। इट्स लाइक मैंने बहुत सारे प्ले स्टेशन खरीद लिया,
एक्सबॉक्स खरीद लिए और मैं किराए पे चलाता हूँ। एक दिन, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, साल भर किराए पे देता हूँ। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी है, जो भी ओला उबेर में ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं मैं उनको रेंट पे देता हूँ। 20-20 हज़ार रुपये महीना लेता हूँ और बोलता हूँ चलाओ। मैंने इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या कर रखा है, आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड अ बिजनेस वेर एन आई एम एक्चुअली रेंटिंग द असेट एंड जनरेटिंग द रेंटल इनकम। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन रेंटिंग आउट द असेट्स एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। ऐसा कई सारे लोग करते हैं ट्रक्स में, ऐसा कई सारे लोग करते हैं कंप्यूटर्स में, आईटी इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस में, मशीनरीज में, वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरीज में। इट कुड ऑल्सो बी एक्चुअली समथिंग विच आई डू फॉर रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज, कि मैंने जगह खरीद ली और किराए पे देता हूँ। यहां मेरा उद्देश्य वाकई ब्याज के थ्रू प्रॉफिट कमाना नहीं है, यहां पे मेरा उद्देश्य मैं रेंट दूंगा और मेरा जो रेंट आएगा वो मेरी इनकम होगी। अब ये अगर मेरा बिजनेस हो गया तो मेरे लिए वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपी हो जाएगी और ये मेरी इनकम हो जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन अगर ये मेरा कोर बिजनेस नहीं है, साइड बिजनेस जैसा हो गया एकदम लेमन लैंग्वेज में, तो मैं इसे इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई कर दूंगा और इससे जो रेंटल इनकम जनरेट होगी ये मेरी अदर इनकम का पार्ट हो जाएगी। इसका मतलब फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज में जो बेसिक डिफरेंस होता था वो लेसर के इंटेंशन के आधार पे होता था, कि लेसर ब्याज कमाना चाहता है या ये लेसर का ऑपरेटिंग बिजनेस ही है क्या, असेट को रेंट करके पैसे कमाना। उस एंगल से हमने दो ब्रॉड नाम दे दिए, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती थी। ये बैकग्राउंड जो मैं सब ले रहा हूँ ये सब इंड एस 17 या AS 19 का है दोस्तों, बट दिस इज समथिंग विच विल हेल्प अस टू बिल्ड द होल कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू इंड एस 116। फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग लेट अस टॉक अबाउट इन द बुक्स ऑफ, सो वी विल डिस्कस दिस बोथ इन द बुक्स ऑफ लेसर, जिसको मैं आर लिखूंगा, एंड लेट अस ऑल्सो टॉक अबाउट अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी, जिसे अपन अब ई बुलाएंगे। लेसर क्या करता था फाइनेंस लीज में, अगर आपको ध्यान हो तो फाइनेंस लीज में असेंशियली हम ऐसा करते थे कि जब हम असेट लीज पे देते थे तो इनिशियल रिकॉग्निशन जो हम इंडेक्स में कहते हैं, एट द इनिशियल स्टेज हम लेसी को डेबिट कर देते थे, एज इन उसको एक तरह से अपना एकदम लेमन लैंग्वेज में, डू नॉट गेट इन टू द जागन्स यू नो, लेसी को मैं एक तरह से अपना डेटर बना देता था। मेरी बुक्स में असेट वो टेंजिबल असेट नहीं होती थी जिसे मैं लीज पे दे रहा हूँ, लेट्स से द अंडरलाइंग असेट। मेरी बुक्स में असेट होता था रिसीवेबल लेसी, जिससे मैं पैसा रिसीव करने वाला हूँ। जस्ट लाइक जैसे मैं किसी को लोन देता हूँ, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की असेट मैंने आपको, सपोज फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की असेट आपको खरीदना है और मैंने आपको उसको फाइनेंस किया है, तो मैं आपको 50 लाख दूंगा और बोलूंगा चलो 20 20 20 लाख की 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट दे देना, जिसमें मेरा ब्याज भी आ जाएगा। तो उस एंगल से देखा जाए तो मैं आज जब आपको लोन दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा टू बैंक 50 लाख और आपको डेबिट कर दूंगा, बोरोअर एडवांस रिसीवेबल डेबिट 50 लाख से, और 3 साल में मैं इस पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे इंटरेस्ट इनकम बुक करके मेरा रिसीवेबल बढ़ाऊंगा और 20 लाख रिसीव होने से उसको पे ऑफ करूंगा, 3 साल बाद ये अमाउंट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब लेसर अपनी बुक्स में लेसी को डेटर बताता था, रिसीवेबल बताता था, और जो लीज पेमेंट्स उसे मिला करते थे वो मानता था कि वो लीज पेमेंट से 2 चीज़ें आ रही हैं, कुछ अमाउंट से वो प्रिंसिपल रिकवर कर रहा है और थोड़ा बहुत अमाउंट है जिससे उसकी इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, जिसके लिए हम इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट निकाला करते थे। तो मेरी बुक्स में बैलेंस शीट में एक असेट आता था विच वॉज लेसी, और लीज पेमेंट से मेरा लेसी कम होते जाता था, कैश बढ़ती जाती थी और इनकम बुक होती जाती थी। ये लेसर अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करता था फाइनेंस लीज में। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में लेसर क्या करता था, जो अंडरलाइंग असेट है जो उसने किराए पे दी है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं कार्स खरीद के ओला उबेर के ड्राइवर्स को रेंट पे देता हूँ 20 हज़ार रुपये महीने के रेंट पे, जिसको जितने महीने के लिए चाहिए, तो अंडरलाइंग असेट जो टैंजिबल असेट पीपी हुआ करती थी वो मेरी बुक्स में क्या आती थी, इट यूज टू बी शोन एज एन असेट एंड इट कुड बी अ पीपी और एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बट अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखना है तो फिर इट हैज़ टू बी अ लैंड और बिल्डिंग ओनली, तो लेट्स से पीपी टाइप की असेट होगी, प्लस जो लीज रेंटल्स मुझे मिला करते थे
100% मैं उसे इनकम मान लेता था। तो मेरी बुक्स में बेसिकली डेप्रिसिएशन ऑन पीपी एसेट का एक्सपेंस बुक होता था। तो मेरा बेसिक लॉजिक यह है कि अगर मैंने 10 लाख की एक गाड़ी खरीदी और उसको मैं किराए पे चला रहा हूँ, तो उसकी यूजफुल लाइफ में मैं 10 लाख से ज़्यादा पैसे रिकवर कर लूँ। तो मेरा टोटल ऑपरेटिंग लीज रेंटल 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख का डिप्रिसिएशन ओवर द लाइफ लगना था और लीज रेंटल उससे ज़्यादा कमाता तो प्रॉफिट होता। ये अपनी बुक्स में लेसर अकाउंटिंग किया करता था फिनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में, विच इज प्रीटी मच सिमिलर वॉट वी डू इन इंडेस 116 ऑल्सो, एंड दैट्स अ गुड न्यूज। Let us come to the more technical part of the standard, the more trickier one and the more important one is how do lessee used to account the asset. So Jet Airways कहता था कि यार मैंने आयरलैंड एफएस से एक एयरक्राफ्ट लीज पे लिया है, तो टेक्निकली हुआ यह है कि सबसे पहले एयरक्राफ्ट खरीदा आयरलैंड एफएस ने, सिंपल अपन कह लेते हैं बैंक ने, तो इट वॉज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट एनी वेज तो एक बैंक ने एक असेट खरीदा अपने नाम पे और बाद में उसे जेट एयरवेज को लीज पे दे दिया। जेट एयरवेज की पॉकेट से शायद कुछ पैसा नहीं लगा, अज्यूमिंग मार्जिन मनी या डाउन पेमेंट जीरो है उसकी तरफ से, और उसके पास आ गई एक असेट जिसको वो एक लंबे समय तक बिंदास यूज कर सकता है, प्रोवाइडेड वो अपना जो एनुअल रेंटल फिक्स हुआ है वो पे करते रहे। तो विद दिस लॉजिक व्हाट आई कैन से इज कि जेट एयरवेज अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करता था, पीपी नाम का एक असेट, क्योंकि उसके लिए क्या था, आइडियली आई वुड से कि फॉर जेट एयरवेज द एयरक्राफ्ट वाज एन असेट। सर जेट एयरवेज का नाम क्यों ले रहे हो यार, वो तो खत्म हो गया, दैट्स अ ओल्ड थिंग। ये तो मैं समझा रहा हूँ कि इंडेस 116 भी नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो मैं आपको इंडेस 17 समझा रहा हूँ क्या हुआ करता था। अच्छा, इसका मतलब ये सब पुराने जमाने की बात है, बिल्कुल सही समझा आपने, वाह सर। तो लेसी अपनी बुक्स में क्या करता था, ही यूज टू रिकॉग्नाइज अ पीपी और एन इंटेंजिबल असेट, अगर वो इंटेंजिबल लेता था, लेट मी फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग लिखो, पीपी असेट रिकॉग्नाइज करता था और उसी अमाउंट से वो क्या करता था, ही यूज टू रिकॉग्नाइज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी टूवर्ड्स द लेसर। तो लेसर उसकी एक तरह की लाइबिलिटी होती थी और वो भी सेम वैल्यू से उसे रिकॉग्नाइज कर लेता था। पीपी असेट बाद में डेप्रिशिएट होते रहता और जो लीज रेंटल्स पे किए जाते इसके दो पोर्शन कर दिए जाएंगे, एक से माना जाएगा कि मेरी लीज लाइबिलिटी पे हो रही थी, जो प्रिंसिपल पोर्शन होता था उसका वो पे होता था, और लीज रेंटल्स का रिमेनिंग पोर्शन क्या माना जाता था, दैट इट यूज्ड टू बी अ फाइनेंस और एन इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द लेसी। जैसा लोन में होता है यार, कुछ भी नहीं है, 50 लाख का आपने बैंक से लोन लिया, 20 लाख आपको 3 साल की किश्त पे करनी है, तो आप 3 साल में 50 लाख का लोन रिपेड मान लोगे और 10 लाख का ब्याज का खर्चा ओवर द 3 ईयर्स पीरियड यूजिंग सम इंटरेस्ट रेट बुक कर दोगे, वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट कहा जाएगा। सेम वही लॉजिक से अकाउंटिंग होती थी, कोई खास बात नहीं है, ये तो आपको याद ही होगा, इतना आपको याद होना भी चाहिए। इस लॉजिक से लेसी फाइनेंस लीज में अकाउंटिंग करता था, लेकिन लेसी ऑपरेटिंग लीज में क्या करता था, ऑपरेटिंग लीज में बोलता था ये सिर्फ प्योर किराए जैसा अरेंजमेंट है। इसका मतलब है कि सपोज फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्टल में रुके हो और आपने अग्रीमेंट कर लिया कि भैया 3 साल तक मैं आपके हॉस्टल में रुकूंगा और ये मेरा सोल अकेले का कमरा रहेगा, मैं जैसे चाहूं वैसे यूज करूंगा, 3 साल बाद आपको आपका कमरा जैसा मिला है वैसी की वैसी पोजीशन में दे दूंगा, 3 साल तक घुसना भी मत मेरे कमरे में, आई हैव द कंप्लीट राइट टू यूज द एसेट। तो डिसाइड हो गया कि भैया चलो ठीक है, ऐसा है तो 10,000 रुपए आपका महीने का रेंट होगा, 1,20,000 रुपीज द रेंट विच यू हैव टू पे फॉर अ ईयर, पेड फॉर 3 ईयर्स एवरी ईयर, यूज द सेट फॉर 3 ईयर्स। आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे गाइस, कम ऑन, जो लीज रेंटल्स हम पे करेंगे पूरा का पूरा उसका एक्सपेंस मान लेंगे, एंड नथिंग एल्स, फिनिश, खत्म, कुछ नहीं करना। और क्यों क्यों नहीं करना, क्यों, क्योंकि ए असेट आपकी है नहीं, बिकॉज आप उसको सिर्फ एक तरह से क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो 3 साल के लिए, और वो 3 साल के बाद में आपको असेट मिलना नहीं है, तो ये आपका खर्चा है एक तरह से पूरी तरह से। सेकेंड देखा जाए तो आपको इस खर्चे के अलावा कोई मतलब भी नहीं है भाई, आपको सिंपल एक ही चीज दिमाग में है क्या, कि 3 साल रुकना है और 3 साल के लिए 1,20,000 रुपये देने, तो हर साल का 1,20,000 का खर्चा है, बुक करो, खत्म। दोस्तों सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है इस पूरे डिस्कशन में अकाउंटिंग में, वो कहाँ हुआ है,
So this is the area where the majority of the change has happened, with Ind AS 116 coming into picture. Ind AS 116 has primarily changed this concept, and why and how? अब समझना बहुत ध्यान से. Ind AS 116 leases. ने एक सवाल उठाया, वो ये कि अगर आपने हॉस्टल में 3 साल का अग्रीमेंट कर दिया है एट अ फिक्स रेंट ऑफ 1,20,000 पर एनम, और ये नॉन कैंसिलेबल अग्रीमेंट है, यानी कि ना हॉस्टल वाला आपको वहां से हटा सकता है, ना आप हॉस्टल छोड़ के जा सकते हो, और जाना है तो फिर आपको रेंट पे करना पड़ेगा. द बिग क्वेश्चन विच कम्स इज, हैव यू नॉट टेकन एन ऑब्लिगेशन टू पे 1,20,000 रुपीज फॉर 3 ईयर्स, विच इज अनअवॉइडेबल. क्या आपने अपने सर पे एक अनअवॉइडेबल ऑब्लिगेशन नहीं ले लिया 1,20,000 रुपए 3 साल तक पे करने का? एज इन, अब आप इससे बच नहीं सकते, आपको पे करना ही होगा, 3 साल आपको वहां रुकना ही होगा. नहीं भी रुकोगे तो 1,20,000 पे करना है, बिकॉज इट्स अ नॉन कैंसिलेबल अग्रीमेंट फॉर 3 ईयर्स इन दैट हॉस्टल. और अगर आपने अपने सर पे एक ऑब्लिगेशन ले लिया है, तो व्हाई शुड यू नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी? बिकॉज इंड एस 37 प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स, which was also in fact which is also similar to the provisions given under AS 29. In fact, it is the basic principle which runs through various standards, जो कहता है कि अगर आपके सर पे कोई unavoidable obligation है, what is an obligation which is not in the hands of the entity to be avoided? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल लाइबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसके ऊपर बेस्ड होता है, कि अगर आपके सर पे कोई एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो आपके हाथ में, जिससे बचना नहीं है, तो फिर उसे आपको अपनी बुक्स में एक लाइबिलिटी शो कर देना चाहिए, और अगर वो सेटल कैश में होने वाली है तो इट्स अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी. तो इफ यू हैव टू सेटल इन कैश और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट, लेट्स नॉट गेट इनटू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेफिनेशन, बट यस, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट एज अ लाइबिलिटी. तो आपको अपनी बुक्स में 1,20,000 इंटू 3,60,000, और अगर मैं इंडेस 109 के कॉन्सेप्ट लगाऊं तो आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज अ रुपी पेबल आफ्टर 1 ईयर इज नॉट इक्वल टू अ रुपी पेबल टुडे, एंड दीज आर पेबल इन अरियर्स, सो आई कैन गेट द प्रेजेंट वैल्यू एट मैक्स. तो मुझे उसकी लाइबिलिटी बुक करना चाहिए. और अगर आप ऐसा करने जाओगे तो इफेक्टिवली आपको 1,20,000 इंटू 3 ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू से लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगी, और जहां आप लाइबिलिटी बुक करोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ बुक करना पड़ेगा. और करस्पॉन्डिंग आप क्या बुक करोगे? आप एक्सपेंस तो बुक करोगे नहीं. क्यों? क्योंकि इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में आपके पास एक असेट है. क्या असेट है? ना 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 ना, असेट तो है ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो रूम मेरा थोड़ी ना हुआ है, रूम तो मेरा 3 साल के लिए हुआ है, और आपके पास सिर्फ 3 साल तक उसे यूज करने का अधिकार है. आपके पास इसके अलावा और कोई राइट नहीं है. दैट मींस यू जस्ट हैव द राइट टू यूज दैट असेट, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट इंड एस 116 टॉक्स अबाउट. इट सेज दैट ऑन डे वन कमेंसमेंट ऑफ द लीज यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज अ राइट ऑफ यूज असेट एंड अ करस्पॉन्डिंग लीज लाइबिलिटी, विच इज सिमिलर टू अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंटेड अंडर अमोटाइज कॉस्ट मेथड, जो आप 109 में लगाते हैं. इवन इफ यू डोंट नो दैट, दैट्स ओके. बट आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लीज असेट बुक करना होगा और करस्पॉन्डिंग लीज लाइबिलिटी बुक करना होगी. और ये जो लीज असेट होगा, इसका नाम होगा राइट ऑफ यूज असेट. क्यों? क्योंकि इस असेट में आपको क्या मिल रहा है? यू आर नॉट गेटिंग दैट रूम, हॉस्टल रूम इन योर राइट. वॉट यू आर गेटिंग इज जस्ट द राइट टू यूज द रूम फॉर 3 ईयर्स. एंड दैट इज वाई वेन यू डू दिस अकाउंटिंग, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द अकाउंटिंग विच यू वर अदरवाइज डूइंग अंडर फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी. फाइनेंस लीज में आप लेसी की बुक्स में क्या अकाउंटिंग करते थे? आप एग्जैक्टली यही अकाउंटिंग करते थे. फर्क सिर्फ इतना होता था कि वहां पे आप पीपी असेट को दिखाते थे अपनी बुक्स में, ना कि राइट ऑफ यूज असेट को. ये इंडेस कहता है एक तरह से, बहुत ही अगर मैं लेमैन टर्म्स में एकदम बेसिक लैंग्वेज में बात करूं सिंप्लीफाई करके,
तो लेसी को अब हर केस में अपनी अकाउंटिंग, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज का डिस्कशन इज ओनली रेलेवेंट फॉर लेसर। लेसी हर केस में अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेगा, जैसी फाइनेंस लीज में हुआ करती थी। फर्क इतना सा होगा कि वो अपनी बुक्स में असेट नहीं दिखाएगा, उसकी बुक्स में, इनफैक्ट आई शुड नॉट से असेट नहीं दिखाएगा, वो अपनी बुक्स में टेंजिबल या इनटेंजिबल असेट को असेट नहीं दिखाएगा, वो अपनी बुक्स में एक नई तरह की असेट दिखाएगा जिसका नाम होगा राइट ऑफ यूज असेट। आपका असेट क्या है? द राइट टू यूज। तो ये जो आपका राइट ऑफ यूज है ये आपकी असेट है, इसलिए आपको बुक्स में राइट ऑफ यूज असेट दिखाना है। इनफैक्ट प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेस में प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स में ये कहा गया है कि अगर आप चाहो तो राइट ऑफ यूज असेट को बैलेंस शीट की फेस पे दिखाने की बजाय जो क्लास ऑफ असेट को वो बिलोंग करता है, आप बस वो क्लास ऑफ असेट दिखा दो और नोट्स में या डिस्क्लोजर में कहीं ये शो कर दो कि इसमें कितनी असेट्स हैं जिसमें आपके पास सिर्फ राइट ऑफ यूज है और कितनी असेट है जो आपकी ओनरशिप में, जिसे अपन पहले जमाने में लीज होल्ड और फ्री होल्ड कहा करते थे। We'll come to the presentation part later on, but please understand the basic fundamental logic is क्योंकि लेसी एक लंबे समय के पीरियड के लिए कमिटमेंट में जा रहा है, जिससे उसके सर पे एक ऑब्लिगेशन आ रही है जिससे वो बच नहीं सकता है, इसलिए उसे अपनी बुक्स में उस ऑब्लिगेशन की लाइबिलिटी बुक करना चाहिए। एब्सोल्यूट टर्म्स या प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में वो स्टैंडर्ड बताएगा, स्टैंडर्ड प्रेजेंट वैल्यू कहता है। बट इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में खर्चा बुक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बदले में उसको एक अधिकार मिल रहा है असेट को यूज करने का ओवर द लीज टर्म। उस अधिकार को वो अपनी बुक्स में असेट दिखा सकता है। तो आने वाले 3 साल में अगर आप समझ लीजिए 2 मिनट के लिए 1,20,000 को फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ, 1,20,000 मुझे 3 साल तक पे करना है और 2 मिनट के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ले लेता हूँ सिर्फ समझने के लिए, तो आप अपनी बुक्स में आज 3,60,000 का राइट ऑफ यूज असेट और 3,60,000 की लाइबिलिटी दिखाओगे। ईयर एंड पे 3,60,000 राइट ऑफ यूज असेट को आप अमोर्टाइज डेप्रिशिएट कर दोगे। कैसे करोगे? 120, 120, 120। और दूसरी तरफ जब आप 120 पे करोगे तो उससे आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, यानी नेट रिजल्ट यही होगा कि आपकी अकाउंटिंग वैसी होगी जैसी ऑपरेटिंग लीज में होती थी। बट ये सिर्फ तब होगा जब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने नहीं लिया है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 है, जो कि एक्चुअल में नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग होने से ये पूरा फाइनेंस लीज फॉर लेसी जैसा दिखने लगेगा। So I hope you are getting some perspective about what this particular standard is all about and what actually will get covered in this particular standard. ये पूरा सुनने के बाद आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी कि operating lease की accounting और इस particular standard में जो अब lease की accounting ये primarily differ क्यों करती है, because of the present value concept, which is one major reason, not the only reason, because of which present value हमने पढ़ रखा है financial instrument में अलग अलग जगह पे कि अगर कोई payment within 12 months payable होता है तो हम फिर उसमें normally discounting नहीं करते। ऐसा आपने एम्प्लॉय बेनिफिट्स के भी स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, कई स्टैंडर्ड इस लॉजिक पे चलते हैं। इंडेस 115 भी कहता है कि अगर विद इन 12 मंथ्स है तो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इग्नोर कर सकते हो। एम्प्लॉय बेनिफिट्स का स्टैंडर्ड 19 भी यही कहता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिमिलर लॉजिक्स एंड दैट इज वाई यहाँ पे उसकी जगह एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया, दैट इज एग्जाम्पशन फॉर शॉर्ट टर्म लीज, जो कहते हैं कि अगर कोई लीज है आपकी कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ असेट की जो 12 महीने या उससे कम के समय के लिए, जिसमें आपके पास ऑप्शन टू परचेज नहीं है, यानी वो असेट आपका नहीं होने वाला है आगे पीछे कभी भी, तो उस केस में आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इनफैक्ट आप उसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस इंडेस से बाहर रख सकते हैं और उसको नॉर्मल जैसे किराए की अकाउंटिंग करते थे, खर्चा बुक करते थे, वैसे अकाउंट फॉर कर लेना। यानी इस पूरे स्टैंडर्ड में वील हैव सम एक्सेप्शंस विच विल बी कमिंग इनटू प्लेस, विच विल प्राइमरली बी बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म लीज टर्म्स एंड लो वैल्यू असेट्स विच वील कम टू। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेवलप सम बेस फॉर यू ताकि आप फील और समझ सकें कि ये स्टैंडर्ड क्या है। दोस्तों पूरे स्टैंडर्ड में इफ यू टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट 50 इलस्ट्रेशंस विच आर देयर, यू विल फाइंड दैट आउट ऑफ द 50 इलस्ट्रेशंस around 43 illustrations relate to lessee accounting. It is only 7 odd illustrations which are relating to lesser or other accounting matters. Iska matlab aap majority of the time kya discuss karne wale ho, lessee accounting. And that is why I'm emphasizing and repeating things again and again so that you need to first understand this logic. ऐसे मैं इस बात को करना नहीं चाहता हूँ, but nevertheless आदत है अपनी, छोड़ना हमारी आदत नहीं, फिर वो पढ़ाई की बात क्यों ना। तो सवाल मेरा ये है आपसे दोस्तों
कि आपने यहाँ पे कहा है कि आप, क्योंकि हॉस्टल आपने 3 साल रहने का कमिटमेंट कर दिया है, इसलिए आप 3 साल के रेंट को आज ही अपनी बुक्स में लाइबिलिटी दिखा रहे हो। तो ऐसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के करते हो तो आपको हर केस में ऐसा ही करना चाहिए कि जितने आपके कमिटेड पेमेंट्स हैं सबकी लाइबिलिटी दिखा देना चाहिए। जैसे कि आपने कोई एक इंश्योरेंस लिया है, तो आपने अपनी कोई एसेट इंश्योर कराई है और वो इंश्योरेंस हर साल रिन्यू होगा एंड एवरी ईयर यू हैव टू पे अ प्रीमियम, और एसेट की लाइफ 10 साल है, तो उस लॉजिक से 10 साल तक आप प्रीमियम को रिन्यू करते जाएंगे, इनफैक्ट प्रीमियम पे करते जाएंगे एसेट को इंश्योर रखने के लिए। तो आपको 10 साल का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसकी भी लाइबिलिटी बुक कर देना चाहिए, गोइंग बाय दिस पर्टिकुलर लॉजिक। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वहां पे आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। क्योंकि ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, आई होप कि आप स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे और एएस भी पढ़े होंगे इंटर में, तो आप इतना समझते हैं कि ऑब्लिगेशन बेसिकली इज अ लाइबिलिटी विच इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ एंटिटी टू बी अवॉइडेड। अगर आपके सर पे कोई लाइबिलिटी है जिससे बचना आपके हाथों में नहीं है तो वो ऑब्लिगेशन है, आप इससे बच सकते हो, आप अगले साल इंश्योरेंस मत कराओ। देयर इज नो कंपल्शन टू गेट एन इंश्योरेंस डन बिकॉज यू कैन अवॉइड गेटिंग दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस डन, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ज्यादा से ज्यादा आप अपने सर पे एक रिस्क ले रहे हो, वो मुझे नहीं सोचना है कि इससे क्या होगा, मुझे ये सोचना है क्या मैं उससे बच सकता हूँ, ना कि क्या मैं बचना चाहता हूँ। क्या मैं बच सकता हूँ? हाँ। तो इसका मतलब फिर मुझे आज की तारीख में उसको ऑब्लिगेशन नहीं है और हेंस मुझे उसे प्रोवाइड फॉर करने की जरूरत नहीं। तो सर मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया कि भैया अपना 10 साल का अग्रीमेंट है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे बहुत ही कम इंश्योरेंस प्रीमियम पे इंश्योरेंस दिया और कहा है कि अगर बीच में कभी भी तुमने तोड़ा ना तो हम तुमसे डिफरेंशियल और हेवी पेनल्टी लेंगे। इसका मतलब एक तरह से अब ये नॉन कैंसिलेबल हो गया। बहुत बढ़िया, तो मेरा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है सर, और ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में नॉन कैंसिलेबल है। हर साल का इंश्योरेंस प्रीमियम मुझे पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आई हैव टू पे अ लमसम पेनल्टी। नाउ इज देयर एन ऑब्लिगेशन टू पे? एब्सोल्युटली देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे। तो सर क्या मुझे 10 साल के प्रीमियम का प्रोविजन आज ही बना देना चाहिए बुक्स में? क्या कहा आपने, लाइबिलिटी या प्रोविजन? लाइबिलिटी। अच्छा, लाइबिलिटी बनाओगे कौन से स्टैंडर्ड में बनाओगे? लीज तो है नहीं है, क्यों? क्योंकि आप कोई एसेट तो यूज में ले नहीं रहे। वहां सर ये लीज तो नहीं है, कोई सर्विस है, सर्विस के ऊपर क्या स्टैंडर्ड लगाऊं मैं? सर सर्विस परचेज पे क्या स्टैंडर्ड लगेगा? बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर आपने। सोचते हैं, खर्चों के लिए हमने बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड देखा है, टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर इनकम टैक्स के एक्सपेंस का स्टैंडर्ड है, हमने एम्प्लॉय बेनिफिट्स के भी खर्चे का स्टैंडर्ड देखा है। हाँ यार सर, बात तो सही है कि खर्चों के लिए हर खर्चे की तो अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब नहीं है, तो हम इसको एक काम करते हैं, इंडेक्स 37 में ले जाते हैं, प्रोविजन कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स। ये प्रोविजन है नहीं, ये एक्चुअल में देखा जाए तो लाइबिलिटी है, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट पता है आपको तो कितना देना है, तो इंडेक्स 37 भी इस पे नहीं लगता है। और 2 मिनट के लिए अगर आप इंडेक्स 37 लगाओगे तो भी आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि इंडेक्स 37 के एक्सक्लूजन में कहा गया है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कवर्ड इन दिस स्टैंडर्ड। एंड व्हेन आई से एग्जीक्यूटरी, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है। बोथ द पार्टीज आर ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, इंश्योर्ड इज ऑब्लाइज्ड टू गिव द प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू कवर द रिस्क। ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में अकाउंट फॉर नहीं किए जाते हैं, उस पर कोई प्रोविजन या कंटिंजेंट लाइबिलिटी या लाइबिलिटी बुक नहीं, डिस्क्लोज नहीं की जाती है, अनलेस इट इज ओनरस। ओनरस मीन्स लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इंडेक्स 37 की कुछ ये बातें आपके दिमाग में गूंज रही होंगी। दोस्तों ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम जब कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड उठाते हैं तो हम उसको दूसरे स्टैंडर्ड से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सारे स्टैंडर्ड्स अल्टीमेटली कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉजिक्स पे चलते हैं। अगर आप उसको ग्रिप में ले लोगे आपको पूरे स्टैंडर्ड कितने भी लेंदी हो कभी समस्या प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इतनी देर में वी हैव स्पेंड हाउ मच, आई थिंक गुड 40 मिनट्स डूइंग दिस पर्टिकुलर डिस्कशन डेवलपिंग द बेस। आई कुड हैव रियली वेरी इजिली स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग कि चलो बेटा लिखो इंडेक्स में, सबसे पहले आप एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं, स्कोप पढ़ते हैं, एक्सक्लूजन्स पढ़ते हैं, देन लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय लीज, आइडेंटिफाइंग द लीज एंड देन लेट्स मूव ऑन। बट क्या होगा दोस्तों, उससे आपके लिए ये पूरा स्टैंडर्ड बन जाएगा एक थ्योरी, आप उसको पढ़ते जाओगे, आप इम्बाई भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपसे किसी ने इस तरह का एक बेसिक सा सवाल पूछ लिया
कि क्यों ऑपरेटिंग लीज में लाइबिलिटी बुक कर रहे हो, और आपने बोल दिया ऑब्लिगेशन है, और उसने बोल दिया कि ऐसा ऑब्लिगेशन कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में भी हो गया। हाउ विल वी आंसर? वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें प्रोविजन नहीं बनाना होता है, ऐसा इंडिया 37 कहता है, क्योंकि वो बोलता है आपको सेवाएं भी मिलना है और बदले में आपको पैसे भी देने। दिस इज द सेम रीजन एंड लॉजिक दैट इफ आई प्लेस एन ऑर्डर, प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर बेसिक फंडामेंटल्स। सपोज मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया मशीन खरीदने के लिए, समझना बात को, मैंने ऑर्डर प्लेस किया मशीन खरीदने के लिए, और ये ऑर्डर कैसा है, नॉन कैंसिलेबल है। इसका मतलब क्या है, मैंने सपोज 10 लाख का एडवांस दे दिया और जर्मनी से एक मशीन इंपोर्ट करूंगा, और उन्होंने बोला है कि बाकी पेमेंट जब मशीन आपको डिलीवर होगी तब देना होगा, 50 लाख की मशीन है 50 लाख्स, एंड अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो 10 लाख रुपये डूब जाएंगे, यानी नॉन कैंसिलेबल अग्रीमेंट है, तो क्या मेरे सर पे ऑब्लिगेशन आ गया बचे हुए 40 लाख्स पे करने का? अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या दिखाऊंगा कि 10 लाख्स आई पेड, 40 लाख्स की मेरी लाइबिलिटी है, बदले में असेट क्या दिखाऊं? व्हाट इज द असेट? एडवांस, क्योंकि असेट तो मेरे पास आया नहीं है, मशीन तो मेरे पास आया नहीं है, तो आई के नॉट डेबिट मशीन, व्हाट डू आई डू? प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं मशीन को अभी से डेबिट कर दूं 50 लाख से जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसे मैं कैपिटल कमिटमेंट कहता हूं, और मैं कह दूं कि इस 50 लाख के अगेंस्ट में 10 लाख मैंने एडवांस दिया है और बचे हुए की मैं लाइबिलिटी शो कर देता हूं बिकॉज आई हैव एंटर्ड इनटू एन ऑब्लिगेशन व्हिच आई कैन नॉट अवॉइड। आई डू नॉट डू दिस एंट्री, इन फैक्ट व्हाट डू आई डू? आई सिंपली से एडवांस टू सप्लायर फॉर मशीन, डेबिट 10 लाख्स टू बैंक, द मनी विच आई हैव स्पेंट और गिवन 10 लाख्स। दिस इज व्हाट आई डू। व्हाई डोंट आई डू दिस? बिकॉज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स में हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑब्लिगेशन का होता है वो नहीं लगाते। तो भले ही आपके सर पे ऑब्लिगेशन है आप नहीं लगाओगे, इनफैक्ट इसके अलावा आपको नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना चाहिए दैट आवर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कैपिटल कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर 50 लाख्स ऑफ विच 10 लाख एडवांस हैज बीन गिवन। यानी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स को आप अवॉइड कर सकते हो फॉर द सिंपल रीजन कि ना तो अभी असेट आई है, सर्विसेज आई है, ना ही आपने अभी पैसे दिए हैं। तो असेट आएगी तो पैसे दूंगा, जब आएगी तो लाइबिलिटी बुक करूंगा। अगर असेट आ गई होती और 10 लाख ही दिए होते तो 40 लाख की लाइबिलिटी बिल्कुल बताता, क्योंकि फिर वो एग्जीक्यूटरी नहीं है। वन पार्टी इज एग्जीक्यूटेड एंड आई एम पेंडिंग टू एग्जीक्यूट। व्हाट दिस इंड इज 116 हैज डन इज दिस इज एक्चुअली गॉन बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, एंड इट हैज एक्चुअली नाउ वांटिंग यू टू रिकॉग्नाइज अ लाइबिलिटी ऑन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज व्हाई दिस इंड इज हैज क्रिएटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑन द इंडस्ट्री। क्योंकि इंडस्ट्री में कई सारी जगह पर कंपनियों ने इसे एक बढ़िया तरीके का जरिया बना रखा था अपनी बुक्स में लायबिलिटी को अंडरस्टेट करने का। फाइनेंस लीज पर ली हुई असेट्स को वो ऑपरेटिंग लीज दिखाते थे, जिस तरह से वो अपनी बुक्स में ये शो नहीं करते थे कि हमें आगे जाके पैसे देना है, हमारे कोई कमिटमेंट है। आप सोचो, आपने हॉस्टल में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब आपको 1,20,000 3 साल तक देनी है, पर बदले में आपको सर्विस भी मिलेगी। अब आपने इसे लाइबिलिटी शो नहीं किया, ये मत सोचना कि सर कभी हॉस्टल छोड़ना पड़ गया तो फिर हम लाइबिलिटी शो करना सही होता, नहीं, फिर वो ओनरस हो जाएगा। ओनरस में तो आपको लाइबिलिटी प्रोविजन बनाना ही होता। लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, मैं तो 3 साल तक रहूंगा उस हॉस्टल में, काहे को छोड़ के जाएंगे, बढ़िया चल रही हमारी क्लासेस, यहीं रुकेंगे, फास्ट पे क्लासेस करेंगे, तो 3 साल तक मैं रुकूंगा, पर मैंने लाइबिलिटी शो नहीं की, तो क्या होगा? एक बड़ा रिस्क है कि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है और आप उसे बुक्स में दिखा नहीं रहे हो, जिससे हो सकता है कि आप अपनी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वैसी बता नहीं रहे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफैक्ट जो पुराना AS हुआ करता था, AS 19 या इंड इनफैक्ट AS 19 तो अभी भी है, इट्स नॉट पुराना, इंड AS 17 लीजेस जो पुराना स्टैंडर्ड हुआ करता था, उसमें सिर्फ डिस्क्लोजर मांगते थे कि आपके क्या कमिटमेंट से अगले 1 साल में 5 साल तक और 5 साल के बियॉन्ड लीज पेमेंट्स करने के, उसे डिस्क्लोज कर दो। बट प्रैक्टिकली समझिए, आप इतना कैश फ्लो अपना ब्लॉक कर चुके हो, और लीज के ऊपर जो कैश फ्लोज ब्लॉक होते हैं, दे आर समथिंग विच आर अनअवॉइडेबल ऑल्सो एंड दे आर सब्सटैंशियल ऑल्सो। दैट इज वाई इंटरनेशनली देयर वाज अ डिसीजन टेकन दैट लेट्स ब्रेक थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर, लेट अस अकाउंट फॉर इट। वी आर नॉट सेइंग यू शुड रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस फॉर इट, वी आर सेइंग यू रिकॉग्नाइज अ लायबिलिटी एंड करस्पॉन्डिंग रिकॉग्नाइज एन असेट। आपकी बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी दोनों दिखेगी, यूजर को प्रिंसिपली समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने सर पे एक ऑब्लिगेशन ले रखा है 3 साल का रेंट देने का, बदले में इसके पास एक असेट भी है 3 साल तक उस जगह को यूज करने की।
दिस विल नॉट अफेक्ट योर नेटवर्थ बिकॉज असेट्स लाइबिलिटी दोनों बढ़ रही है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट गिव अ डिस्क्लोजर दैट देयर एग्जिस्ट अ लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दीज लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड दैट इज द होल बेसिक फंडामेंटल लॉजिक बिहाइंड द स्टैंडर्ड। चलिए तो अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट टू स्टार्ट विद इज लेट्स टेक द हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। इनफैक्ट अगर आप ये सब नोट नहीं कर रहे हैं नॉट टू वरी, मैं इन सबको अपलोड कर दूंगा। इनफैक्ट आप इसको LMS से भी ले सकते हो और आप नोट कर लीजिए जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा उसमें आप fast.edu.in जो आपकी फास्ट की वेबसाइट है उसके आप डाउनलोड सेक्शन में जाके यू कैन सिंपली डाउनलोड दीज नोट्स एंड आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन अ लेक्चर वाइज बेसिस। चलिए तो यू कैन एक्चुअली इन दैट सेंस आप स्पीड बढ़ा के बड़े आराम से फास्ट फॉरवर्ड करते हुए देख सकते हो। तो इंड एस 116 का हमारा डिस्कशन हम डिवाइड करेंगे इन टू सर्टन पार्ट्स। लेट से सबसे पहले अभी जो मैंने आपको बताया दैट वॉज बेसिकली वॉट द बैकग्राउंड behind this Ind AS as to why it came in, and this is what we discussed. This is something which is not a part of the standard but necessary for our understanding. सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे, तो let's make it simple. Let's say part of A of the standard is going to be accounting for lessee. तो बताओ बच्चों पार्ट बी क्या होगा? सर लेसर की अकाउंटिंग। अरे वाह तुम तो बड़े होशियार हो। तो बताओ पार्ट सी क्या होगा? सर लेसर और लेसी दोनों की अकाउंटिंग। लेसर पढ़ ली लेसी पढ़ ली दोनों की कैसे? चलो बोल रहे हो तो होगा। सेल एंड लीज बैक इट्स अ सेपरेट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ईएस 19 में सुना हो शायद ये शब्द आपने। नहीं सर इंटर में तो ये निकल जाते थे। चलिए ऐसे कैसे निकल जाते थे यार, अगर तुम पढ़े होगे तो पढ़े ही होगे अच्छे से। चलिए इंटर का एडवांस अकाउंट्स के भी वीडियो लेक्चर्स वी हैव नाउ स्टार्टेड मेकिंग इट अवेलेबल। कभी जूनियर्स को आपको रेफर करना हो तो बनती है इतनी तो। चलिए तो मार्केटिंग एनीवेज नेवरदलेस लेसी अकाउंटिंग लेसर अकाउंटिंग एंड देन सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। इसकी स्पेशल अकाउंटिंग है क्योंकि आप असेट सेल करके वापस लीज पे लेते हैं, तो देर आर सम इम्प्लीकेशंस व्हिच कम इन एंड देन देर इज अ स्पेसिफिक डिस्कशन ऑन सब लीजेस। सब लीजेस बेसिकली मीन्स देर आर टू लीजेस हियर। वन इज नोन एज द हेड लीज जिसमें मैंने सपोज आपसे कोई चीज़ किराए पे ली और लीज पे और फिर उसे बाद में किसी और को लीज कर दिया, तो दैट इज़ नोन एज द लीज अग्रीमेंट। तो ये दो स्पेशल डिस्कशंस है हमारे, ये कह सकते हैं। आफ्टर दीज डिस्कशंस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट, सो आई कैन से दैट देर आर डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशनल प्रोविजन्स, जो कि आप एसेंशियली कह सकते हो कि पहली बार जब कंपनी इंड एस 116 लगाएगी तो जो एग्जिस्टिंग लीजेज हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो वील गो टू दैट एंड देन आई विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन अदर स्टैंडर्ड्स। आपने देखा होगा इंड एस 116 जब आया था तो उसके कारण बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में चेंज हुए, लाइक से फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ इम्प्लीकेशन इंड एस 1638 PPE intangible assets, in fact investment property में आए। इसका कुछ implication इंड एस 21 में आप कह सकते हैं foreign exchange fluctuation से related कुछ आया। 23 borrowing cost से related कुछ impact हुआ। There was some impact which was relating to 115, in fact 116 में भी 115 का reference है, revenue from contract with customers, service concession arrangements and stuff like that। बिजनेस कॉम्बिनेशंस में इसका कुछ इम्पैक्ट आता है। तो दूसरे स्टैंडर्ड्स में जो इसके इम्पैक्ट आए, जो हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वहीं साथ साथ में कवर हो जाएंगे। आई जस्ट काइंड ऑफ ट्राई टू समराइज इट हियर। बस करो सर ठीक है, बोलते हो तो कर देते हैं। लास्टली वील टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। ठीक है हियर आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम इनफैक्ट व्हाट यू कैन से इज एफ में आप लिख सकते हो इम्पैक्ट ऑन अदर स्टैंडर्ड्स। And you can say we will also talk about some special issues like security deposit and all, which is relating to impact on other standard, like particularly Ind AS 109 में आपने security deposit का question भी किया होगा,
कि हमने कोई एसेट लीज पे लिया है और उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्री दिया है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो वो ये इसलिए मैंने एक अलग से सेक्शन बनाया है इसका, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में इनमें से कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं की गई है, एवरीथिंग एल्स हैज़ बीन कवर्ड देयर। चलिए, हमारा मेजर टाइम जाएगा लेसी अकाउंटिंग में। लेसी अकाउंटिंग का हमारा पूरा डिस्कशन वापस से डिवाइड होगा कुछ पार्ट्स में, एंड आई विल एक्चुअली वांट यू टू अंडरस्टैंड दीज पर्टिकुलर पार्ट्स वेल। तो व्हाट आई विल डू इज, एक थोड़ा सा समय लेते हैं, 5 मिनट, और एक बार एक लेसी अकाउंटिंग का पूरा चार्ट बना लीजिए, फिर उसके बाद अपन पढ़ना शुरू करेंगे। लेसी अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्या समझना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लीज। इफ़ आई गो विद द जार्गन, कॉन्सेप्चुअली मैं समझा दूंगा। इट इज़ ओके, सो व्हाट इज़ अ लीज, लेट मी फर्स्ट गिव यू द डेफिनेशन फॉर लीज, जहाँ से मैं लेसी अकाउंटिंग समझा पाऊंगा शायद। तो डेफिनेशन ऑफ लीज, इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई अ लीज, और सिंपली आइडेंटिफाइंग वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू स्टार्ट विद लेसी अकाउंटिंग। इनफैक्ट सही बताऊं तो मैं इसे लेसी अकाउंटिंग के साथ साथ लेसर अकाउंटिंग का भी पार्ट कह सकता हूं, क्योंकि ये दोनों के लिए रेलेवेंट है। बट नेवरदलेस, लीज की डेफिनेशन कहती है दैट लीज बेसिकली इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज दी राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइबल असेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन। दिस इज यू कैन से डेफिनेशन ऑफ लीज और द क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क टू असेस वेदर देर इज अ लीज। तो हम ये बोल सकते हैं कि लीज बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली वॉट अ लीज इज। हाँ, और ये पढ़ने के लिए अब हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे डिस्कशन में, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय आइडेंटिफाइबल असेट। तो ये मेरा डिस्कशन का पॉइंट नंबर वन होगा। तो लेट से इसका नंबर मेरे लिए सीक्वेंस में हो गया A1। आइडेंटिफाइबल असेट समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, लीज में क्या आएगा। तो से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी से कि भैया ओला आपकी ऐप पे गया और मैंने बोला कि यार आप मुझे क्या करो, कोई गाड़ी भेज दो, तो क्या वो स्पेसिफिक गाड़ी भेजेंगे या कोई भी भेज सकते हैं, तो क्या वो आइडेंटिफाइबल असेट है या नहीं है। तो वील टॉक अबाउट थिंग्स लाइक दैट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें मैंने कहा है कि चलो एक काम करो, हम लाइव सैटेलाइट क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो मैंने ह्यूजेस कंपनी के साथ टाई अप किया है कि उनकी एक सैटेलाइट है जिसके थ्रू वो ट्रांसमिशन करते हैं। मैंने बोला इसमें आप मुझे इतनी बैंडविथ रेंट पे दे दो, क्या ये लीज है, क्योंकि उनकी जो बैंडविथ है उससे दे कैन साइमल्टेनियसली रन 10 क्लासेस, जिसमें से मुझे एक क्लास रन करने की बैंडविथ दे रहे हैं, तो क्या ये एक आइडेंटिफाइबल असेट है जो मुझे मिला है। इसी की जगह अगर मैं बोल देता कि आप मेरे लिए ये एक पूरी लाइन बिछा दो लीज लाइन और वो मुझे रेंट पे दे दो, तो डेफिनेटली आइडेंटिफाइबल असेट होता। सो इन दैट पर्टिकुलर सेंस, व्हाट डू आई मीन बाय आइडेंटिफाइबल असेट। हॉस्टल में मैं गया और मैंने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर कमरा रेंट पे चाहिए, इज दैट एन आइडेंटिफाइबल असेट। वो बोलेगा आपको कि मैं कमरा दूंगा, बट कोई भी कमरा हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट असेट का हुआ या सर्विस का हुआ। आप सोचना, जैसे हमने फास्ट पे एक फोटोकॉपी मशीन रखा दी थी, अब तो काम नहीं आती, सब कलर्ड नोट्स हो गए। तो फोटोकॉपियर ने क्या कहा था कि यार हम आपके ही मशीन रख देंगे, आपको जितनी फोटोकॉपी निकालना है निकालो, उसमें काउंटर होगा जो काउंट कर लेगा कितनी फोटोकॉपीज निकली है, उसके बेसिस पे आपसे एक पैसा चार्ज कर लिया जाएगा। और हमने उसके साथ 3 साल का अग्रीमेंट कर लिया था, उसने मशीन रख दी। अब इस पूरे डिस्कशन में सवाल ये उठा कि जो मशीन उसने हमारे यहाँ पे रखी है, क्या ये पर्टिकुलर मशीन वो जब चाहे तब बदल सकता है। अगर इसका जवाब है हाँ, तो इसका मतलब मेरा उससे कॉन्ट्रैक्ट मशीन किराए पे लेने का नहीं है, रेंट पे लेने का नहीं है, लीज पे लेने का नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट उससे सर्विस लेने का है जिसके लिए उसने एक मशीन रखी है। इस लाइक हमारे ऑफिस में एक कैफे कॉफी डे की डिस्पेंसिंग मशीन रखी हुई है,
जिसमें वो बंदा आता है रोज सुबह कॉफी बीन्स भर के चले जाता है और उसका कोई एक मेथड है जिसके बेसिस पे वो पेमेंट ले लेता है। क्या मैंने उससे वो असेट किराए पे लिए दोस्त? शायद नहीं, शायद हाँ। दिस इज द डिस्कशन विच वी डू व्हेन वी टॉक अबाउट आइडेंटिफाइबल असेट A1। द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इज राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ असेट। व्हाट इट सेज इज कोई भी पर्टिकुलर अग्रीमेंट में अगर आप किसी की चीज यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लीज है। रेंट और लीज में जो आपने पहले कहा था कि बेसिक फर्क क्या होता है राइट ऑफ यूज, तो यू शुड एक्चुअली गेट व्हाट द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन असेट। एंड व्हेन डू यू से दैट यू गेट अ राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन असेट? इंडेस में पढ़ेंगे। तो इंडेस कहता है कि भाई आपके पास कब आएगा राइट? जब आप उससे होने वाले बेनिफिट्स कमा सकते हो और आप उसे जैसे चाहो वैसे ऑपरेट कर सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, घर में हमारे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बाबूजी के पापा के 3 लड़के, क्या बाबूजी हर किसी को अपनी असेट मानते हैं? शायद नहीं। तो सबसे छोटा वाला लड़का बहुत ही करामती है एकदम, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो कोई डाउट ही नहीं है, हमें मालूम है खूब अच्छा कर लेगा करियर में, लेकिन दिक्कत यह है हमारा असेट नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो किसी और के कंट्रोल में, वो उसका असेट है। तो बेनिफिट है, कंट्रोल नहीं। बीच वाला लड़का सुस्त एकदम बैठे रहता है, बेनिफिट ही नहीं है, जो बोलो वही करता है पूरे कंट्रोल में, ये भी कोई असेट जैसी नहीं। असेट कौन है जिसमें आपका बेनिफिट भी है? बड़ा वाला लड़का हमारा, हमारी बात भी सुनता है एकदम, वो विवेक भैया जैसे, वो देखा होगा ना आपने, हम आपके कौन में एक हाथ में, सुनता भी हमारी और काम भी बढ़िया करता है। तो आपके पास कंट्रोल होना चाहिए उस असेट के ऊपर, जिसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने हॉस्टल में एक रूम किराए पे लिया है कि आप उसे जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। कल दिन हम जा रहे हैं, हमने बोला भाई तू आ जाना, तू यहाँ पे रह लेना, सब लीज कर दिया, मैं तुझसे किराए का मान लूंगा, क्या ऐसा है क्या? नहीं सर ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये लीज नहीं है, ये रेंट है। अच्छा ओके, समझ आ रहा है दोस्त, इतनी जल्दी नहीं समझेंगे बन। तो राइट टू कंट्रोल द यूज इज द सेकेंड पॉइंट विच वील डिस्कस। और ध्यान रखना दोस्तों कि ये दोनों चीजें आपको कब असेस करना होती हैं, दीज टू थिंग्स आर टू बी चेक्ड ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन विच इज बेसिकली द डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट व्हेन यू अग्री टू द टर्म्स ऑफ द लीज। ये दो चीज समझने के बाद आपको समझ में आएगा लीज है या नहीं, और फिर आपको उसकी अकाउंटिंग करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि उसकी लीज टर्म क्या है। तो जो हमारा अगला डिस्कशन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन द लीज टर्म, एंड देन वी विल हैव टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट विच इज गोइंग टू बी इन कंसिडरेशन, आपको कुछ पेमेंट करने होंगे, दैट इज गोइंग टू बी द लीज पेमेंट्स। ये दोनों चीजें आपकी अकाउंटिंग अफेक्ट करती हैं। तो डेट ऑफ इंसेप्शन पे हम बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करते हैं लीज है या नहीं है, और ये चीजें होती हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट पे, जिस दिन आपके पास असेट यूज करने का अधिकार आता है। जरा भी ये मत सोचना कि मैंने ये समझा दिया, इस सब आगे आएगा, मैं सिर्फ आपको एक चार्ट बना रहा हूँ, बहुत लंबा स्टैंडर्ड में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप कंफर्टेबल फील करें जब अपन इस स्टैंडर्ड के अंदर जाएंगे। दिस इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू इन अकाउंटिंग फॉर लीजेस। लीज टर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द टर्म ऑफ द लीज? इसका मतलब क्या, आपने हॉस्टल रेंट पे लिया है और आपने सर वो तो लीज ही नहीं है, तो एग्जाम्पल चेंज किया जाए। ओके, तो मैंने किसी से घर किराए पे ले लिया और सामने वाले ने बोला है कि भाई से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 5 साल के लिए घर किराए पे दिया, समझ में आए? तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल किसी हमने राजा महाराजा से एक उनका पैलेस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स लीज रेंट पे ले लिया, जिसके अंतर्गत हमने कहा है कि भाई हम यहाँ पे होटल चलाएंगे और इसे सुरक्षित रखेंगे, ऐसा नहीं है कि खराब करेंगे, जैसा है वैसा आपको वापस देंगे 10 साल बाद, लेकिन 10 साल तक हमें जैसे यूज करना है करेंगे। तो वी आर प्लानिंग टू रन अ होटल, वी विल सबलीज इट, वी विल रेंट इट, और हम यहाँ पे अलग अलग तरह की सर्विसेज देंगे एंड वी विल मेक मनी आउट ऑफ इट। तो इट्स अ लीज अग्रीमेंट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है ऐसा टर्म हो कि 10 साल बाद यू हैव एन ऑप्शन कि आप चाहो तो एक्सपाउंड पे करके आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। देन इन दैट केस शुड आई से दैट द लीज टर्म इज 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, रिन्यूअल ऑप्शन है तो। और ये कई सारे स्टैंडर्ड में आता है इंटेंजिबल असेट्स वगैरह में भी रिन्यूअल ऑप्शन। तो फिर मैं टर्म कितनी मानूँ, तो ये हमें समझना होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि टर्म इज कैंसिलेबल ईदर एट द पार्टी ऑफ द और ऑफ द ऑप्शन ऑफ द लेसर ऑफ द ऑप्शन ऑफ लेसी। कई बार परपेचुअल लीजेस हो सकती है, ये सब इसके सब पॉइंट्स बनने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एंड देन इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होगा? तो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसमें आपका लीज कंसिडरेशन फिक्स लीज रेंटल हो। कहीं वेरिएबल हो सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट से हर साल ग्रो करेंगे,
कहीं रेसिडुअल वैल्यू हो सकती है, जो आपने एएस में पढ़ा होगा कि एट द एंड ऑफ लीज तो हम इतनी वैल्यू देके आप असेट ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरह के लीज पेमेंट्स होते हैं, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी वेरियस सब पॉइंट्स ऑफ दिस। वो अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये बनाया तो आप समझ लो कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका एक कॉपी इसी में पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। बट येस, और ये सब समझने के बाद वॉट वी हैव टू देन डिस्कस इज, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड व्हेन आई से पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी माई फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। And in the fifth point, what I'm going to discuss is basically about cases where you have a contract which has lease components and or non-lease components. इसका मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबली हो सकता है कि एक से ज़्यादा असेट लीज पे ली हूँ, एस पे ध्यान देना थोड़ा सा, और ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा असेट लीज पे देने की बजाय एक असेट है लीज पे और एक सर्विसेज। एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि मैंने किसी से फॉर एग्जांपल मैंने किसी से उसकी जगह रेंट पर ली और साथ ही साथ में उसने उसका मेंटेनेंस भी मुझे करके देने की बात की। एज इन अ मॉल आई हैव टेकन अ शॉप ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड द शॉप ओनर और द मॉल ओनर हैज सेड दैट आई विल स्टिल गिव यू मेंटेनेंस सर्विस फॉर इट अलॉन्ग विद सिक्योरिटी सर्विसेज एंड सम मार्केटिंग सर्विसेज। तो इट्स अ कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड्स वेरियस थिंग्स। इसमें हमें बहुत सारी बातें करना पड़ेगी, जैसे कि लीज के कंपोनेंट्स को हम सेग्रीगेट कैसे करेंगे। यहाँ पे 115 का लॉजिक लगेगा कि आप एक लमसम प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें आपकी कुछ लीज और कुछ नॉन लीज सर्विसेज आ रही हैं, तो कैसे अलोकेट करना पड़ेगा। दैट इज समथिंग विच वी हैव टू डिस्कस। ये सब जब आप पढ़ लोगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा इन सारी टर्म्स का, एंड देन यू विल रियली बी इन एक्चुअली द पोजिशन दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ विल द लेसी डू द अकाउंटिंग। एंड द अकाउंटिंग विल देन बी डिवाइडेड इन टू सर्टन पार्ट्स, जो मैं अभी सिर्फ यहाँ पे बहुत ब्रीफ में लिख रहा हूँ, इनिशियल रिकग्निशन एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हम टर्मिनेशन ऑफ लीज भी डिस्कस कर लेंगे, दैट इज डी रिकग्निशन। जो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ते हैं, हर जगह मेजॉरिटी स्टैंडर्ड्स इस तरह से इंडेक्स में बनाए गए, इनिशियली कैसे रिकोगनाइज करना, आगे ईयर एंड पे कैसे मेजर करना और सब्सिक्वेंटली क्या करना। इनिशियल रिकग्निशन में आप बताओ लेसी की बुक्स में क्या दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा राइट ऑफ यूज असेट, तो वन वी विल हैव द राइट ऑफ यूज असेट एंड सेकंड वी विल हैव अ लीज लाइबिलिटी। और इसी के सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमें देखना होगा कि असेट पे क्या डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट लगेगा, लीज लाइबिलिटी में क्या इंटरेस्ट होगा, एंड देन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट रीअसेसमेंट व्हेन देर आर चेंज इन एस्टिमेट्स and modifications of lease, and this is actually the area जो practical या numerical zone है आपकी। ये आपकी पूरी lease accounting हो गई। आप ये समझ लीजिए कि all this what we are going to discuss is going to be the sixth part of our discussion। और इस पूरे discussion के साथ साथ हमें एक और part discuss करना पड़ेगा, which is actually again not specific to lessee, that is again specific to lessee as well as lesser, जिसको कहने के लिए मैं ऐसे बना सकता हूँ, सर आपके पास तो खूब जगह, हमारा भी तो सोच हो, इसलिए मैंने बोला मत लिखो, देख लो यहाँ पे। देर आर डिस्कशन रिक्वायर्ड फॉर स्कोप एक्सक्लूजन्स एंड सम एग्जाम्पशंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, एंड दीज आर बेसिकली नॉट जस्ट फॉर लेसी अकाउंटिंग, दिस मे ऑल्सो अप्लाई टू लेसर अकाउंटिंग, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स योर, इसलिए ये मेरा टॉपिक होगा A7, जिसमें प्राइमरली हम जो मैं बात कर रहा था शॉर्ट टर्म लीजेस 12 मंथ्स और इससे कम के पीरियड की और लो वैल्यू असेट की बात करने वाले हैं। एलसी और एनएलसी के ऊपर मैं लिख देता हूं, दिस इज लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट। इतना सारा डिस्कशन अपन करेंगे तो हमारा पूरा डिस्कशन किसका कंप्लीट हो जाएगा, लेसी की अकाउंटिंग का, और बहुत सारी चीज़ें लेसर की भी हम इसमें समझ लेंगे। लेसर अकाउंटिंग इज गोइंग टू बी मच मच मोर सिंपलर बिकॉज वी हैव टू प्राइमरली डिस्कस योर अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, बट आई एम नॉट गेटिंग टू दोज डिटेल्स बिकॉज आई एम एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट इट लेटर।
तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सो वी विल नाउ टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्चुअली द लेसी अकाउंटिंग, जिसमें जो मैंने A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 लिखा है, इस सीक्वेंस में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। स्टडी मटेरियल से आप मेरे डिस्कशन और सीक्वेंस को ज़रा भी कंपेयर मत करना, क्योंकि स्टडी मटेरियल में A7 सबसे पहले आएगा, क्योंकि वो स्कोप एक्सक्लूजन है और हम सबसे पहले कुछ और पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरा फंडामेंटल लॉजिक ये है कि स्टडी मटेरियल में जो दिया है वो सीक्वेंस में अगर चीज़ों को पढ़ के चीज़ें समझ में आ जाती तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग देन देर वॉज एक्चुअली नो नीड फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग। हर कोई गाने पढ़ने लगता और उसको गाना गाना आ जाता। तो गाने पढ़ना और उसको सुनना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। इसी तरह से कंटेंट जो दिया है उसको समझने के लिए वी नीड टू काइंड ऑफ मॉडिफाई द सीक्वेंस एंड द बेसिक लॉजिक्स फॉर इट। इनफैक्ट नॉट द लॉजिक्स बट येस द वे ऑफ काइंड ऑफ टेकिंग इट अप। सो मैं बहुत ही हौले हौले इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे उठाने वाला हूँ, ताकि आप बहुत आराम से शिद्दत से इन चीज़ों को समझ सको। ध्यान रखना मैं जहाँ पे भी जो चीज़ पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट के मटीरियल में एजुकेशन मटीरियल के जो क्वेश्चन है, ऑल दोज आर समथिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस साइमल्टेनियसली विद देम। और आखिरी में फिर हम कुछ असॉर्टेड क्वेश्चन ले लेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक।